उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी और रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करते हैं इसको। इनमें से किसने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है? जी हाँ, खेलों में अब सट्टेबाजी लगाना लीगल हो जाएगा, ये कहा है किसने? तो विधि आयोग ने। विधि आयोग ने कहा है कि खेलों में सट्टेबाजी लगाना जो है वैध हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, इनमें से किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है? देखो आप खुद से, चार ऑप्शन है ना, खुद से ट्राई भी कर सकते हो, टोटल 50 क्वेश्चन है ना, और जब टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हो। अगर मान लो 30 सही हुए तो लिख सकते हो 30/50, 40 सही हुए तो 40/50 लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर स्कोर कमेंट करना, इसीलिए मैंने चार ऑप्शन भी दिए हैं। तो इनमें से किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से किस राज्य सरकार ने 62 लाख बच्चों के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने 62 लाख बच्चों के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें से किस देश को 37वां विश्व यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल मिला है? तो ये सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ग, भारत, ठीक है। भारत में अब टोटल 37 जो है ना धरोहर स्थल हो गए हैं यूनेस्को के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है, उनकी संख्या 5 है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल हैं और टोटल भारत में 37 जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 5वां भारतीय बन गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, राहुल द्रविड़, ठीक है। राहुल द्रविड़ भी अब आईसीसी जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं और वे 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी फुटबॉल टीम ने 40 साल बाद विश्व कप में मैच जीता है? बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हुई थी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, ट्यूनिशिया। और ये 2 बार बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आया, 2 बार, ठीक है। तो जो है ट्यूनिशिया, जो है ट्यूनिशिया टीम, फुटबॉल टीम ने 40 साल बाद विश्व कप में मैच जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस देश में पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी एक देश है, इस देश में पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन भारत का पहला और विश्व का दूसरा सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना? बहुत ज़्यादा चर्चा का ये विषय रहा था, ठीक है। और केवल इनका उम्र जो था ना 12 वर्ष था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रागन नंदा। प्रागन नंदा इनका नाम है और इनकी उम्र केवल 12 साल है। ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस देश की मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका देश की मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सरकार 1 जुलाई से कितने अंकों के मोबाइल नंबर जारी करेगी? 1 जुलाई 2018 से ये बात हो रहा है, तो बताया मोबाइल नंबर कितने अंकों का हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 अंकों का। पहले 10 अंक के मोबाइल नंबर होते थे, तो अब 10 अंक के नहीं 13 अंक के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जितने भी 10 नंबर के मोबाइल नंबर बनने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए अब 13 अंकों के मोबाइल होंगे 1 जुलाई 2018 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, मैक्स वास्टापेन ने। मैक्स वास्टापेन ने जो है ना फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बैन हटते ही किस देश की महिला ने सड़कों पर रेसिंग कार दौड़ाई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब में महिलाओं को जो है गाड़ी चलाना अलाउ नहीं था, लेकिन अब वहाँ की जो है सरकार ने बोला कि अब महिलाएँ भी गाड़ी चल सकती हैं, इसकी खुशी में वहाँ पर महिलाओं ने रेसिंग लगाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, गुजरात सरकार, ठीक है। गुजरात सरकार ने, ठीक है, गुजरात सरकार ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना
शुरू की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, सूरत। ठीक है, सूरत को जो है, सूरत शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इवान ड्यूक को किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, कोलंबिया। ठीक है, इवान ड्यूक को कोलंबिया देश का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलकर उत्तरी मेसिडोनिया गणराज्य रख लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, मेसिडोनिया। मेसिडोनिया ने अपना नया नाम चेंज कर लिया है और अपना नाम रख लिया है उत्तरी मेसिडोनिया गणराज्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस खिलाड़ी ने फीफा विश्व कप में हैट्रिक लगाई है? तो इसका सही जवाब होगा 17 का ऑप्शन नंबर ख, रोनाल्डो। रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप में हैट्रिक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है ना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, इनमें से किस तारीख को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 14 जून, 10 जून, 12 जून, 15 जून। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इनमें से कौन सा देश 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, मॉरिशस। मॉरिशस देश जो है ना 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला पुलिस संग्रहालय किस शहर में बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का, दिल्ली में। भारत का पहला पुलिस संग्रहालय दिल्ली शहर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस देश ने पहली बार महिला एशिया कप जीता है? क्रिकेट की बात हो रही है, महिला एशिया क्रिकेट कप किसने पहली बार जीता है? तो ये जीता है पहली बार बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर ग, बांग्लादेश ने पहली बार महिला एशिया कप जीता है क्रिकेट का। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का 11वां खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का 11वां खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप ने पहली बार, महिला टेनिस खिलाड़ी रह जो हैं ये, पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस पहली भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, मिताली राज। मिताली राज ने, वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 2000 रन बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला और 500 विकेट लेने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, साकिब अल हसन। साकिब अल हसन जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 10,000 रन बनाने के अलावा 500 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ज़्यादा इस पर भी चर्चा हुई थी, एक सर्वे के मुताबिक यूपी और झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी तंबाकू का सेवन करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का, 40%। एक सर्वे के मुताबिक यूपी और झारखंड की 40% आबादी तंबाकू का सेवन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक सर्वे के मुताबिक विश्व में किस शहर के लोग सबसे अधिक काम करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, मुंबई। मुंबई शहर के लोग सबसे अधिक काम करते हैं पूरे दुनिया में, जितने भी शहर हैं उन शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सुनील छेत्री सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के कौन से फुटबॉलर बन गए? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, तीसरे। भारत के सुनील छेत्री सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश की संसद ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगाया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर घ, युगांडा। युगांडा देश की संसद ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस देश ने नकाब और बुरके पर पाबंदी लगाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, डेनमार्क। डेनमार्क शहर ने नकाब और बुरके पर पाबंदी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में
किस देश ने गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, आयरलैंड। आयरलैंड देश ने गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार जो है आईपीएल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। रेल मंत्रालय सर्वेक्षण में किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, कानपुर। कानपुर रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 13वां हुआ था। तो सूर्य किरण 13वां जो है भारत और ये नेपाल के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 13वां जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, एबी डिविलियर्स। इन ऑप्शन से आपको ढूंढना है, एबी डिविलियर्स जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। गुरसोज कौर किस देश के पुलिस विभाग की पहली पगड़ीधारी महिला सिख अधिकारी बनी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का अमेरिका। गुरसोज कौर अमेरिका देश के पुलिस विभाग की पहली पगड़ीधारी महिला सिख अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत को विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर घ, छठा। भारत को विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में छठा स्थान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को इस वर्ष की सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का इंदौर। इंदौर जो है लगातार दूसरा साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर निकल के सामने आया है, दूसरे नंबर पर भोपाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से किस राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र अब यस सर नहीं बल्कि जय हिंद बोलेंगे, ये आदेश जारी किया है। तो किस सरकार ने आदेश जारी किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अब सरकारी स्कूल के छात्र अब यस सर और यस मैम नहीं बोलेंगे, अटेंडेंस के टाइम बोलेंगे जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किसने दूसरी बार निर्विरोध रूप से ICC का चेयरमैन चुना गया है। किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है शशांक मनोहर को। शशांक मनोहर को दूसरी बार निर्विरोध रूप से ICC का चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। एक सर्वे के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, 57%। क्या आप लोग भी इनके काम से खुश हैं, अपना परसेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये तो एक सर्वे के मुताबिक है कि 57% लोग मोदी के सरकार के काम से संतुष्ट हैं, आप लोग अपना परसेंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। महाथिर मोहम्मद ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ग, मालदीव। मालदीव के हैं महाथिर मोहम्मद, जो कि नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनकी उम्र जो है ये 92 वर्ष के हैं और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किस ई कॉमर्स कंपनी ने फ्लिपकार्ट को $16 अरब में खरीद लिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 अरब में खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ईरान के साथ हुई परमाणु डील पर फैसला लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, रूस। ठीक है, रूस के जो हैं रूस देश के राष्ट्रपति ईरान के साथ हुई परमाणु डील पर फैसला लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नासा के किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, मंगल ग्रह। नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक सर्वे के मुताबिक किस देश के लोग नौकरी करते हुए सबसे अधिक संतुष्ट हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, UAE। UAE इसी को बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इस देश के लोग सबसे अधिक नौकरी करते हुए संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अनुराग ठाकुर और किस भारतीय क्रिकेटर ने खेलों का महाकुंभ शुरू किया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अनुराग ठाकुर और सचिन तेंदुलकर ने खेलों का महाकुंभ शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में नीरज अरोड़ा को किसका CEO नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब होगा व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के नए CEO नियुक्त किए गए हैं नीरज अरोड़ा।
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नरेंद्र मोदी की किस योजना के तहत हाल ही में देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, दीनदयाल ज्योति योजना। जी हां, दीनदयाल ज्योति योजना के तहत जो है भारत देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। तो ये था 50वां नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने पूरा चर्चा किया 2018 के, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आए 2018 में, और इन सभी 50 क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन 50 क्वेश्चंस को एकदम, ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जरूर नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में कि इस वीडियो को सभी लोग देखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।